हेलो गाइस, सो आज हम अपना प्लेलिस्ट एपीआई टेस्टिंग ऑफ मैनुअल को हम प्रोसीड करने वाले हैं। अभी जो मैं नॉर्मल मैनुअल टेस्टिंग पे वर्क जो कर रहा हूँ वो अभी धीरे धीरे प्रोग्रेसेस में चलेगा, लेकिन मेरी जैसे मेरे दोस्तों के फ़ोन वगैरह आया, उन्होंने बोला कि आप एपीआई को भी स्टार्ट करें सर, सो मैं मैनुअल एपीआई टेस्टिंग को इनिशिएट कर रहा हूँ। ये हमारा चैप्टर वन है, इंट्रोडक्शन ऑफ एपीआईज। ऐसे बहुत सारे चैप्टर एपीआई से रिलेटेड हमको आगे मिलने वाले हैं। अब इंट्रोडक्शन ऑफ एपीआई चैप्टर में हम तीन टॉपिक से चार टॉपिक कवर करेंगे, वो जो कि इस प्रकार है। इंट्रोडक्शन टू एपीआईज, एपीआईज के बारे में हम पढ़ेंगे, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस जो होती है उसको पर समझेंगे क्या होता है, बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा गूगल को कैसे वर्क कर रहा है वो, और व्हाट इज एन एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसको हम एपीआई बोलते हैं वो क्या होती है, हम एपीआई टेस्टिंग को क्यों यूज़ करते हैं, मतलब एपीआई का जो हम क्यों आजकल मार्केट के अंदर एपीआई टेस्टिंग को इन्वॉल्व किया जाता है, ये हम पूरा डिटेल में आने वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे। इसके अंदर मैं तीन चार चीजें के बारे में बताऊंगा। अभी ये बेसिकली पहली वीडियो है, हम डिटेल्स में आपके एपीआई को और ज्यादा समझेंगे, लेकिन अभी बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ एपीआई, कॉन्सेप्ट ऑफ एपीआई के अंदर बेसिकली क्या होता है। बेसिकली हमारे पास तीन लेयर होती है, एक यूआई लेयर जिसको हम यूआई लेयर भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो एक्शन फिर एपीआई के पास हिट करता है और फिर वो एपीआई डाटाबेस के अंदर से डाटा फेच करके लेके आती है। तो GUI ने एपीआई के पास किया, एपीआई डाटाबेस के पास गया, डाटाबेस ने रिस्पॉन्स किया एपीआई को, एपीआई ने उसको यूआई के पास प्रोवाइड किया। सो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट चलता है कोई भी टेस्टिंग से रिलेटेड। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। अगर हम एपीआई टेस्टिंग से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो मतलब मैं इस फेज की बात कर रहा हूँ, इस फेज के अंदर जो भी टेस्टिंग परफॉर्म किए गए हैं। सो बेसिकली GUI ने रिक्वेस्ट किया तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, फिर उसके थ्रू एक रिस्पॉन्स आता है। सो हम एक रिस्पॉन्स को वेरीफाई करेंगे, कैसे रिक्वेस्ट सेंड करनी है विदाउट GUI का यूज करें वो हम सीखेंगे, क्या रिस्पॉन्स आता है हर एक। अब एपीआई की टेस्टिंग के अंदर एक रिस्पॉन्स कोड चलते हैं, हम आने वाले आगे वीडियोस में रिस्पॉन्स कोड को से कैसे किसके क्या होता है वो हम डिटेल में समझेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टेस्टिंग के अंदर, हम आगे आने वाले वीडियोस में और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। हम बेसिकली ये जो टेस्टिंग है वेब बेस्ड है और इंटरनेट एपीआई से रिलेटेड है, कंप्यूटर के अंदर कुछ और भी एपीआई एग्जिस्ट कर सकती है, सो लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है एपीआई टेस्टिंग वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड है। सो इसलिए ये जो फ्लो है ये हम मान के चल रहे हैं कि ये बेसिकली एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन का है। हम इसके अंदर बेसिकली क्या कर रहे हैं, इन दिस जो हमारा एपीआई टेस्टिंग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे डील करेंगे वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के थ्रू कैसे विदाउट GUI, बिना GUI के कंपोनेंट का यूज करें हम सीधा एपीआई पे रिक्वेस्ट हिट करेंगे और डाटाबेस से डाटा फेच करके आएगा और उस रिस्पॉन्स को वैलिडेट करेंगे विद रिस्पॉन्स मैसेजेस। ये एक एपीआई टेस्टिंग कहलाएगी। ये हमारा इंट्रोडक्शन है एपीआई टेस्टिंग से रिलेटेड अभी के लिए। सो इस चैप्टर का हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा व्हाट इज वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। सो बेसिकली वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होती है उसको समझेंगे, कुछ एक एग्जांपल्स को समझेंगे और एक पूरा आर्किटेक्चर में आगे डिटेल में समझाऊंगा कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन का कैसे वर्क करता है। एक एग्जांपल के थ्रू जैसे google.com एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा पाऊंगा आपको, उसमें कैसे एपीआई हिट करते हैं, उनसे कैसे रिस्पॉन्स आता है, उसका स्ट्रक्चरल डायग्राम जो आपको इंट्रोडक्शन में आपके इंटरव्यूज में अगर पूछा जाता है कि एपीआई कैसे वर्क करती है आपको वो डायग्राम एक्सप्लेन करना है पूरा डिटेल में। सो सबसे पहला हमारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन दैट इज डिप्लॉयड टू अ वेब सर्वर। सो बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर के ऊपर डिप्लॉय की गई है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली इस लाइन का थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन समझाता हूं मैं आपको, कि दैट मींस एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड ऑनटू अ कंप्यूटर एंड यूजर एक्सेस द एप्लीकेशन वाया वेब ब्राउजर। सो जो वेब एप्लीकेशन है उनको वेब ब्राउजर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउजर कौन होते हैं, जैसे आपके क्रोम हो गए, ठीक है, फायरफॉक्स हो गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब एक आपके वेब ब्राउजर है। इनके थ्रू आप वेब एप्लीकेशंस को यूज करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, जो कि कहाँ पे डिप्लॉय होते हैं उनके उनके सर्वर के ऊपर जाके।
और जो कि इंस्टॉल हो रखे हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन, और वेब बेस्ड को क्या कैसे वर्क कर रहा है। कुछ एक एग्जांपल्स जो हम समझेंगे, जैसे google.com आपने सुना होगा, facebook.com, कोई और वेबसाइट जैसे जो भी आपको यूज दिमाग में आ रही हो, जैसे इंश्योरेंस डोमेन को तो आपकी कंपनी की वेबसाइट एग्जाम्पल, कोई आपकी कोई और डोमेन में हो, जैसे बैंकिंग डोमेन में हो तो कुछ और एग्जाम्पल। इस टाइप से आपकी कंपनी के बहुत सारे वेरियस एग्जाम्पल्स वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन के पार्ट आते हैं। तो इसकी टेस्टिंग अगर हम यूआई के थ्रू कर रहे हैं तो वो गुई टेस्टिंग कराती है, अगर मैं इस चीज को एपीआई के थ्रू अगर मैं टेस्ट करूंगा तो वो एपीआई टेस्टिंग कराएगी। सो हम जो टेस्टिंग परफॉर्म करने वाले हैं वो सब एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन की कर रहे हैं। मैं उसी को इंटीग्रेट करके पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोज में हम कैसे टेस्टिंग को प्रोसीड करेंगे। सो हमने वेब बेस्ड एप्लीकेशन को समझा था कि क्या होती है वेब एप्लीकेशन, कुछ का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन को थोड़ा और एग्जांपल के थ्रू कैसे वर्क कर रही हूँ वो बताऊंगा। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा गूगल का। मान लो आपने बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशन में गूगल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा। सो बेसिकली यूज़र आप हो, आपने क्या किया, आपने ब्राउज़र ओपन किया, ब्राउज़र के ऊपर टाइप किया google.com। बेसिकली जैसे आप सर्च करते हो, आपने google.com ट्राई किया, तो ब्राउजर क्या करेगा, वो गूगल की जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाके रिक्वेस्ट हिट करेगा, ब्राउजर सेंड गेट रिक्वेस्ट। हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर समझेंगे गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, पैच, ये सब एक रिक्वेस्ट होती है, HTTP रिक्वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो हिट करता है वेब ब्राउजर और उसको हम रिस्पॉन्स के थ्रू या उनको कुछ हिट करने के बाद कुछ डाटा हो के आता है वो हम डिस्प्ले वगैरह कराते हैं। तो बेसिकली क्या किया, वेब ब्राउजर ने एक गेट API हिट करी गूगल वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर, फिर गूगल ने उसको पेज को रिटर्न किया और फिर वो रिटर्न पेज किसके पास गया, यूजर के पास, और उसके बाद उसको वेब पेज दिखने लग गया google.com यहाँ पे। अब उसको यहाँ पे google.com का पेज शो हो रहा है जिसके अंदर एक सर्च बार है और एंड सर्च का बटन है। अब वो उसके अंदर कुछ टाइप करेगा, तो वो टाइप करने के बाद यूजर टाइप्स कुछ किया उसने, फिर एक सर्च क्वेरी एग्जीक्यूट करी जाती है उसके बाद वेब ब्राउजर के थ्रू। जो उसने सर्च किया उसको क्वेरी पैरामीटर, पांच पैरामीटर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे APIs के अंदर ही है कि वो अब जैसे उसने टाइप किया तो वो क्वेरी पैरामीटर की तरह एक्ट करके URL के साथ अपेंड होके वो आगे वेब ब्राउजर को पास जाता है। अब वेब ब्राउजर क्या करेगा, उस क्वेरी को ऐड करके एक पोस्ट API हिट करेगा वेब गूगल की वेब बेस्ड एप्लीकेशन के पास, ब्राउजर सेंड करेगा पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर सर्च क्वेरी, जो उसने क्वेरी में सर्च किया है वो अपेंड करेगा, नई वेबसाइट बन जाएगी और फिर वो गूगल अपने इंटरनली उसको क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंगली सर्च करेगा और उसके अकॉर्डिंगली कुछ रिजल्ट जो उसको मिलेंगे वो रिजल्ट वापस देगा वेब ब्राउजर को, गूगल रिटर्न सर्च रिजल्ट पुट टू द वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर के पास आने के बाद वो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएंगे किसको, यूजर को। तो मान लो जैसे आपने google.com पे सर्च किया अजय टेस्टिंग, ये सर्च किया, सो आपका जो वेबसाइट एग्जाम्पल बनेगी, फॉर एग्जाम्पल google.com, ये आपका बेस URL था, इसके साथ अपेंड होके सर्च, मान लो मैंने क्या किया था, अजय किया था, तो अजय अपेंड होके उसके साथ ये एक पूरा URI बनाएगा और ये URI वेब ब्राउजर हिट करेगा किसके पास, गूगल के पास। सो बेसिकली दिस इज द फ्लो। वेब बेस्ड एप्लीकेशन का एक गूगल का एक एग्जांपल समझा कि API कैसे वर्क कर रहा है। तो बेसिकली API है क्या, अब मैं क्या होता है, हम रिक्वेस्ट हिट करते हैं और फिर वो एक रिस्पॉन्स में आता है, इस तरह से वेब बेस्ड के ऊपर एक एप्लीकेशन डिप्लॉय की जाती है जैसे गूगल ने की हुई है। तो API क्या है, API एक इंटरफेस है कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू जो कि डिजाइन किया जाता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक करने के लिए। बेसिकली क्या है, हम API के अंदर एक कंप्यूटर, जैसे हमारा वेब ब्राउजर की एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है वेब ब्राउजर, दूसरी एप्लीकेशन है गूगल, तो उन दोनों को इंटरेक्शन करने के लिए हम API का यूज करते हैं। और लेकिन जैसे GUI में क्या होता है, GUI में मैंने बताया था कि सामने लोगों को दिखता है, तो मतलब वो ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बनाया गया है।
लेकिन जो API है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिए बनाया गया है। सो ये बेसिकली सबसे मेजर डिफरेंस है API के बीच में और UI के बीच में। सो बेसिकली क्या होता है, इन HTTP बेस्ड API, जो HTTP बेस्ड APIs होते हैं जैसे GET, PUT, POST, ये सब, और आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर जैसे google.com या फिर facebook.com के ऊपर उसके आगे ना HTTP लिखा होता है। HTTP क्या होता है, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, एक प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो सेट किए जाते हैं और API उसके थ्रू हम कोई भी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो ऐसी API जो HTTP API के साथ बेस्ड है उसको हम वेब API भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोला जाता है, बेसिकली वेब API का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो APIs है सिंस दे आर यूज्ड टू एक्सेस वेब एप्लीकेशंस, जो HTTP APIs है, HTTP जो रिक्वेस्ट हम रीड कर रहे हैं वो एक वेब एप्लीकेशन को यूज करने के लिए यूज किया जा रहा है, जो कि डिप्लॉय हो रखी है कहाँ पे, सर्वर साइड पे, सर्वर साइड जैसे google.com। तो वेब ब्राउजर के ऊपर जब हम HTTP google.com करते हैं तो वो क्या करता है, वेब ब्राउजर वो एक API हिट करता है इसके पास, google.com के सर्वर के पास, उसको रिस्पॉन्स में कुछ उसको वेबसाइट में रिस्पॉन्सेज आते हैं। सो इस चीज को बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट आर बी मेड इन फॉर्मेट ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सो बेसिकली जो HTTP रिक्वेस्ट होती है हम रिक्वेस्ट करते हैं और एक हमको रिस्पॉन्स आता है। सो बेसिकली API टेस्टिंग में हमारा मेजर पार्ट क्या होने वाला है, अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि API टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, API के हिट करके देखेंगे, URL को अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करके, अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करने का उसको कुछ रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स के अंदर कुछ दो चीजें हम वेरीफाई करेंगे जनरली, एक होता है रिस्पॉन्स कोड, एक रिस्पॉन्स मैसेज। जैसे एक एग्जांपल मैं अभी आपसे समझाना चाहता हूँ, मान लो अगर आपने लॉगिन फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना चाह रहे हो API के थ्रू, तो आप यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे और HTTP हिट करेंगे, HTTP रिक्वेस्ट हिट करेंगे facebook.com पे, फिर facebook.com उसको रिस्पॉन्स देगा। अगर वो रिस्पॉन्स एक HTTP रिस्पॉन्स कोड की एक लिस्ट होती है, अगर वो रिस्पॉन्स 200 या 201 के अंदर आता है तो वो हम उसको बोलते हैं कि वो सही वर्क कर रहा है। अगर उसको सर्वर साइड आ रहा है तो कुछ अलग रिस्पॉन्स कोड होगा, अगर उसको हमने कुछ गलत डाटा दिया तो रिस्पॉन्स कोड कुछ और होगा, और उसी दौरान एक मैसेज आता है जैसे लॉग इन सक्सेसफुली एक मैसेज है, यूजर नेम इज इनकरेक्ट ये एक मैसेज है, इस तरह से API रिक्वेस्ट करने के बाद एक API रिस्पॉन्स आता है। तो हम बेसिकली API टेस्टिंग के अंदर ये चीज वेरीफाई करेंगे कि रिस्पॉन्स कोड क्या आया हुआ है आफ्टर हिटिंग द HTTP रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स मैसेज क्या है, क्या वो सही है या गलत है, क्या हमारा पॉजिटिव नेगेटिव सिनेरियोस, इस चीज को पूरे फ्लो को हम पूरा डिटेल में हम समझेंगे, वो है API टेस्टिंग। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम अगर ऑटोमेशन करते हैं तो रेस्ट अश्योर एक लाइब्रेरी होती है जो जावा ने प्रोवाइड किया, उसके थ्रू हम HTTP रिक्वेस्ट को हिट करेंगे, और अगर हम उसको मैनुअली करना चाह रहे हैं तो एक पोस्टमैन एक टूल होता है उसके थ्रू हम API को हिट करेंगे अलग अलग URL के प्रोवाइड करने के बाद, और उसके साथ पाथ रिक्वायरी पैरामीटर हम आगे डिटेल में समझेंगे और कैसे कैसे हिट कर सकते हैं वो डिटेल में समझेंगे। लाइव एग्जांपल के साथ कुछ डमी APIs मेरे को है, मेरे पास है, उनके थ्रू हम एक एक APIs को हिट करना, उनके रिस्पॉन्स को वैलिडेट करना, ये सब सीखेंगे। सो इस चैप्टर में हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, व्हाई वी यूज API। सो बेसिकली हम API क्यों यूज कर रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा API क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब API का मेन यूजेस क्या हुआ कि सबसे पहले फास्ट रिजल्ट देता है, जैसे हम पोस्ट UI के थ्रू हम facebook.com लॉगिन करते हैं, वैल्यू डालते हैं, ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसके अंदर हमें टाइम लगता है। सो इस चीज से हम मेजर फंक्शनैलिटी जो होती है उसके अगर टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो हमें API के थ्रू अगर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें फास्ट रिजल्ट मिलता है, विद इन 2 मिली सेकेंड्स हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो ये बहुत ही फास्ट होता है, रिलायबल होता है। रिग्रेशन टेस्टिंग हमें करनी है या स्मोक टेस्टिंग करनी है, जैसे कोई डेवलपर ने हमको नई बिल्ड की तो हमें स्मोक टेस्टिंग करनी है, तो एक API टेस्टिंग के अंदर हम जल्दी से फोन कर लेते हैं तो हमें पता लग सकता है कि वो रिलायबल है या नहीं है। सेकेंड कि इसके अंदर ना कलेक्शन करना बहुत ईजी है, मेंटेनेंस है बहुत, हम पोस्टमैन के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट बहुत ईजी वे में, और जल्दी से जल्दी हमारे पास पूरा रिजल्ट आ सकता है। रिलायबिलिटी कैसे है, रिलायबिलिटी ऐसे है जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लेयर होती है, UI, API और डेटाबेस लेयर। सो अगर मैं बोल देता हूँ कि API लेयर हमारी सही वर्क कर रही है तो मेरे को ऊपर वाली लेयर को ज़्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे बीच वाली फंक्शनैलिटी जो है, अगर बीच वाली सीढ़ी ही सही चल रही है तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाली सीढ़ी सही चलेगी, ज़्यादातर चांसेस ये हैं। सो इसलिए हम रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर अभी API टेस्टिंग को हमारी कवरेज सही है तो हम बोल सकते हैं कि UI टेस्टिंग में कम बग मिलेंगे हमको। क्विक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, और इसकी जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है API की वो बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट हो सकती है और जल्दी हम बना सकते हैं। सो इस मेन रीजन ये है
टाइम कंज्यूम, टाइम बचाने के लिए जल्दी रिजल्ट निकालने के लिए रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑटोमेशन जल्दी हो सकती है, स्मोकर टेस्टिंग के अंदर बहुत ही जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सो ये बहुत ही मेन रीजन है एपीआई टेस्टिंग का आजकल यूजेस होने में। सो पहला चैप्टर हमारा खत्म होता है एपीआई टेस्टिंग का। थैंक यू। हेलो गाइस, सो हम अपना एपीआई टेस्टिंग के चैप्टर 2 पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम एचटीटीपी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एचटीटीपी डिटेल्स क्या होती है, एचटीटीपी डिटेल्स के अंदर क्या क्या कवर टॉपिक हम करने वाले हैं, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती है, रिस्पॉन्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एचटीटीपी स्टेटस कोड क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, जो कि प्री डिफाइंड इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 401 403 में अंतर, उनका एग्जाम्पल बताओ कैसे पता करेंगे, 200 कोड कब आता है, 201 कोड कब आता है, बैड रिक्वेस्ट क्या होता है, ये सब कोड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं उसको पढ़ेंगे, रिस्पॉन्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। सो बेसिकली हम पूरे डिटेल एचटीटीपी को कवर करेंगे इस चैप्टर के दौरान। सो हमारा पहला टॉपिक है एचटीटीपी रिक्वेस्ट। सो बेसिकली एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम अपना मैसेज किसी भी सॉफ्टवेयर को जो दूसरे साइड पे कंप्यूटर है उसको ओवर द इंटरनेट भेज सके। वो कुछ भी मैसेज हो सकता है, कुछ भी डाटा हो सकता है, जैसे आप कोई वेबसाइट के ऊपर जा रहे हो, कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, उसके अंदर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिटेल्स भेज रहे हो, वो बेसिकली एचटीटीपी रिक्वेस्ट ही है बैक एंड पे जो उसको डिटेल्स सेंड कर रहे हैं हम उसको ओवर द इंटरनेट। सो इस तरह से जो भी आप इंटरनेट पे सर्व कर रहे हो बेसिकली क्या है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, और वो जो वेबसाइट है जो सर्वर है जहां से हमको रिस्पॉन्स आ रहा है वो एचटीटीपी रिस्पॉन्स कहलाएगा, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सो एचटीटीपी हम रिक्वेस्ट जब भेजते हैं किसी भी साइट पे तो हमें क्या क्या उसके अंदर कंटेन होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या क्या कंसिस्ट होता है। सो बेसिकली एचटीटीपी कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। पहला होता है वर्ब। वर्ब मतलब क्या, किस टाइप की एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। इट मे बी अ गेट पुट पोस्ट डिलीट, बहुत सारी इस टाइप्स की बहुत सारी होती है, जनरल वे में गेट पुट पोस्ट और डिलीट यूज की जाती है। फिर उसके बाद होता है सेट ऑफ हेडर्स, जो हेडर्स हम एचटीटीपी के हेडर्स भेज रहे हैं। हेडर क्या होता है बेसिकली, हेडर हमारी डिटेल्स बताता है कि हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो उसके अंदर जो ब्राउजर है वो कौन सा यूज हो रहा है, जो कंटेंट है मैसेज का वो किस टाइप का है, जैसे जेसन है, एक्सएमएल है, इस टाइप का कि, और जो हमको रिस्पॉन्स आएगा आफ्टर एचटीटीपी रिक्वेस्ट हिट, तो जो सर्वर से जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स है वो किस तरह का टाइप फॉर्मेट एक्सेप्ट करने वाला है मेरा एचटीटीपी रिक्वेस्ट, वो भी हम इसके हेडर के थ्रू भेजते हैं। फिर उसके अलावा एक होता है बॉडी, जिसको हम पेलोड भी बोलते हैं जनरल वे में। बॉडी के अंदर हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, जैसे हमें कोई फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल के अंदर हमें ब्राउजर वगैरह डिटेल भेज दी कि गूगल क्रोम हमारा ब्राउजर है, उसके अंदर जेएसएन एक्सएमएल सपोर्ट करेगा, रिस्पॉन्स में भी जेएसएन एक्सएमएल ही चाहिए होगा, और इसी तरह वो एक पुट रिक्वेस्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो और उसके लिए फिर पोस्ट और पुट के लिए हमको एक बॉडी भेजते हैं। बॉडी के अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है हमारा इन्फॉर्मेशन, जैसे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके अंदर नेम डालना, ये एक फॉर्मेट होते हैं। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह का बॉडी या पेलोड के फॉर्मेट्स होते हैं, उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे और उनको हम समझेंगे। सो बेसिकली ये तीन चीज कंजेस्ट करके हम एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट होती है, फिर वो हमको ओवर द इंटरनेट हम भेजते हैं, फिर हमसे हमको एक रिस्पॉन्स आता है। सो दिस इज द एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट हमने पढ़ी थी पिछले टॉपिक में, उसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट में जो वर्ब्स बताए थे मैंने, गेट पुट पोस्ट डिलीट पैच, वो सब क्या होता है बेसिकली, क्या डिटेल में थोड़ा हम पढ़ेंगे बस। सो ओवरव्यू बताता हूँ। गेट क्या होता है, गेट बेसिकली जो भी हमने डाटा क्रिएट किया हुआ है या फिर बना हुआ है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको फेच करने के लिए होता है। गेट हम रिक्वेस्ट उसको हिट करते हैं। पोस्ट में क्या होता है, हमें नया डाटा क्रिएट करना है, जैसे कोई नया फॉर्म फिल करना है, कोई वेबसाइट के ऊपर नया, जैसे फेसबुक पर नई आईडी बनानी है, किसी और वेबसाइट पर कुछ डिटेल डालनी है, तो वो हम पोस्ट के थ्रू हिट करते हैं। पुट हम वो करते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसके अंदर अमेंडमेंट करना, जैसे आपने कोई भी प्रोफाइल बना रखी है किसी भी वेबसाइट पे, आप उसके अंदर नेम के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप उसके अंदर जाके चेंज करते हो, तो वो बेसिकली क्या है, पुट रिक्वेस्ट है बेसिकली।
डिलीट क्या है, डिलीट बहुत कम यूज होती है जनरली, वो क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए करते हैं जनरली, हम इसको एपीआई टेस्टिंग के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। लेकिन ब्राउजर के पर्सपेक्टिव से जो हम जो पर्सनल होता है, हम लैपटॉप यूज करते हैं ब्राउजर के, हम कभी भी डिलीट इन्फॉर्मेशन का बहुत रेयरली यूज करते हैं कोई डाटा को डिलीट करने के लिए। पैच क्या करता है, ऑलरेडी क्रिएटेड डाटा बना हुआ है उसके अंदर थोड़ी बहुत अपडेशन करनी है, जैसे कोई एक क्या बोलते हैं वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही अपडेट करनी है, बाकी पूरी वेबसाइट के अंदर कुछ डाटा मॉडिफाई नहीं करना, तो हम जनरली उसमें पैच APIs का यूज़ करते हैं अपने हिट करने के लिए। सो बेसिकली ये तरह से हम HTTP रिक्वेस्ट हिट करते हैं, जो कि HTTP वो हम तीन कंटेंट पढ़े थे कि कोई भी HTTP रिक्वेस्ट होती है वो तीन कंटेंट से बनकर बनती है। पहला HTTP वर्ब्स था, उनको भी हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद जो हमने पढ़े थे पेलोड्स हो गया, और एक और जिसको हम HTTP हेडर पढ़ते हैं जो हमको ब्राउजर की डिटेल्स वगैरह बताते हैं। सो बेसिकली इस तरह हमारा HTTP रिक्वेस्ट वाला पोर्शन हमारा खत्म होता है। अब हम प्रोसीड करेंगे HTTP रिस्पॉन्स के लिए। सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, HTTP रिस्पॉन्स क्या होता है। बेसिकली अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, और जब कोई यूज़र, जब आप एक HTTP रिक्वेस्ट हिट करते हो सर्वर पर, तब आपको कुछ एक रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स को हम HTTP रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर होता है, जो हमें बताता है। बेसिकली है क्या, बेसिकली जब हम कोई रिक्वेस्ट हिट करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स में आता है, वो रिस्पॉन्स हमको क्या बताता है, रिस्पॉन्स हमको दो चीज़ बताता है, या तो हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है, या हमारी रिक्वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो बेसिकली वो रिस्पॉन्स हमको डिटेल में वो बताता है, रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर टेल्स यू इफ योर रिक्वेस्ट वॉज सक्सेसफुल हुई है या कुछ प्रॉब्लम आई है उसके अंदर। वो हमको कैसे पता चलेगा, हम एक एग्जांपल मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि किस वे में HTTP रिस्पॉन्स आता है, वो हमको क्या क्या क्लैरिफाई करता है हमको रिस्पॉन्स, अब हम वो पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था HTTP रिस्पॉन्स क्या होता है, अब मैं उसको थोड़ा और इलेबोरेट करके कि एग्जांपल के थ्रू हमको जो HTTP रिस्पॉन्स आता है वो क्या है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मेरा एक youtube.com एक वेबसाइट है जो आप जिस पे आप सर्व कर रहे हो अभी फिलहाल, वीडियोस देख रहे हो। सो बेसिकली मैंने एक चैनल बनाया मेरे नाम का लर्न टेस्टिंग बाय AD, जिसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उसके वीडियोज़ को अगर कंटेंट पसंद आए तो उसको लाइक भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने एक रिक्वेस्ट हिट करी अपने API के अंदर, फिर उसके YouTube का जो सर्वर है उसने मुझे रिस्पॉन्स में जो चीज़ प्रोवाइड करी उसके बारे में वो होता है HTTP रिस्पॉन्स। जैसे उसने मेरे को डिटेल बताई कि हमारा जो चैनल क्रिएट किया है वो हो गया है, 200 आ गया है उसके अंदर, किस तारीख को मैंने बनाया था, इसी तरह कनेक्शन अब एस्टेब्लिश हो चुका है तो क्लोज हो गया है, कंटेंट टाइप हमारा जो रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आया वो किस फॉर्मेट में है, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि फॉर्मेट्स कितने तरह के होते हैं, JSON, अनरियल एनकोडेड और XML, ये सब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, उनको समझाऊंगा मैं कि किस टाइप से कैसे दिखते हैं। जैसे मान लो YouTube ने हमको JSON का एक फॉर्मेट दिया है, तो JSON इस तरह से दिखता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स JSON है, हम आगे सिंपल कॉम्प्लेक्स ये सब डिटेल भी पढ़ेंगे कि JSON कितने तरह का होता है। सो एक प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट वो है, उसके अंदर आईडी क्रिएट हुई है मेरी, उसकी मेरे उसका नाम कौन है, किसने बनाया है, क्या करते हैं, टाइप बता रहा है उसका, चैनल का नेम क्या है, वो जब ये सब रिस्पॉन्स में आया जो YouTube ने हमको भेजा है। मैंने जब YouTube पे उनकी रिक्वेस्ट हिट करी मेरे चैनल को क्रिएट करने के बाद, तो उन्होंने मुझे ये डिटेल भेजी एग्जाम्पल, ये हमारी HTTP रिस्पॉन्स है। सो ये जो रिस्पॉन्स है ये पूरा, ये बेसिकली हमें क्या बताता है, ये हमें तीन चीज बताता है जो हमको कहीं भी यूज करने वाले हैं। पहला होता है स्टेटस कोड, कि हमको स्टेटस कोड क्या हुआ, ये होता है HTTP स्टेटस कोड। ये अलग अलग तरीके के हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कितना तरह के HTTP स्टेटस कोड होते हैं, कौन सा क्या बताता है। अगला कंटेंट टाइप भी, हम जैसे JSON, ये वाला एक JSON फॉर्मेट जो मैंने बताया आपको, इसी तरह बहुत सारे होते हैं, XML भी होता है, अनरियल एनकोडेड भी होता है, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगला होता है बॉडी, बॉडी ये जो है इसको बॉडी बोलते हैं, ये हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स है, जो एक्चुअल पेलोड है, एक्चुअल डाटा है जो YouTube ने या जो सर्वर है उसने हमको रिटर्न किया आफ्टर हिटिंग द HTTP रिक्वेस्ट। सो इस तरह हम HTTP रिस्पॉन्स का पूरा डिटेल में अभी हमने समझा, अब हम पढ़ेंगे HTTP स्टेटस कोड को। ठीक है, इसके बाद हमारा HTTP की पूरी डिटेल्स खत्म हो जाएगी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होएगा,
जिसके अंदर हम पेलोड्स की डिटेल के बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी मैम स्टार्ट करते हैं एचटीटीपी स्टेटस कोड के बारे में। एचटीटीपी स्टेटस कोड बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि जब हम एचटीटीपी रिक्वेस्टेड करते हैं तो एचटीटीपी रिस्पॉन्स आता है और वो रिस्पॉन्स हमको उसके अंदर एक कंटेन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटस कोड, जो हमको इलेबोरेट करता है कि रिक्वेस्ट कैसी है, सक्सेसफुल हुई है, फेल हुई है, किस टाइप से। तो वेब सर्विसेज यूज एचटीटीपी स्टेटस कोड टू टेल अस, हमें क्या बताता है, व्हाट हैपेंड व्हेन द सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट, जब सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को जो आपने एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी है तो उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में डिटेल्स के बारे में एक्सप्लेन। सो अब हम कोई सिंपल एक ग्रुपिंग चलती है एचटीटीपी स्टेटस कोड की जो स्टैंडर्डाइज की जाती है। एक होता है 100 से लेके 199 तक इंफॉर्मेशनल कहलाते हैं एचटीटीपी स्टेटस कोड, 200 से लेके 299 तक कहलाते हैं सक्सेसफुल मैसेजेस वाले कोड, 300 से लेके 399 तक कहलाते हैं रीडायरेक्शनल वाले कोड। कभी कभार क्या होता है कि जो डेवलपर होता है कुछ ऐसी जो अभी डेवलपिंग फेज में होती है कोई वेबसाइट्स, तो उसको टेम्पररी लिंक कर देता है और एक स्टेटस कोड में एचटीटीपी रिस्पॉन्स के अंदर हमको 302 आता है जिसको बोलते हैं टेम्पररी रीडायरेक्ट। मतलब अभी ये हमारी वेबसाइट की जो लिंकिंग है वो प्रॉपर हो नहीं पाई है, अभी ये सिर्फ टेम्पररी लिंक कर रहा है उस पॉइंट तक कि बाद में हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये जनरली यूज नहीं की जाती ना या पढ़ी जाती है आपको, आपको जनरल वे में 200, 400 और 500 ही देखने को मिलेगी। अब 400 के बारे में पढ़ते हैं। 400 हमको क्लाइंट एरर्स के बारे में बताता है कि आपने जब एचटीटीपी रिक्वेस्ट हिट करी तो आपने कुछ गड़बड़ करी है जिसकी वजह से हमको ये एरर आई है। यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, देन यू विल सी क्लाइंट एरर्स। कोई एग्जांपल जैसे 400 बैड रिक्वेस्ट, 404 नॉट फाउंड, मतलब आपने यूआरएल के अंदर गड़बड़ कर दी, आपने जो रिक्वेस्ट के टाइम जो पेलोड भेजते हैं उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, जैसे आपने फर्स्ट नेम को ब्लैंक रख दिया बाकी पूरे को प्रोवाइड किया तो वो एक मैंडेटरी वैलिडेशन, तो हमको बैड रिक्वेस्ट आएगा। इसी तरह एक सर्वर एरर होता है कि सर्वर साइड हमने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सही डाटा भेजा है, सब पेलोड सही भेजी है, फिर भी उनको 500 एरर आ रही है, तो सर्वर के साइड कुछ गड़बड़ हुई है, उसको बोलते हैं सर्वर एरर्स। एग्जांपल इसका सबसे कॉमन है 500 इंटरनल सर्वर एरर, जो आपको बहुत ज्यादा एपीआई की टेस्टिंग के दौरान देखने को मिलेगा। एक छोटी सी सजेशन है आप सबके लिए, आप हमेशा 200, 400 और 500 के पहले 201 से लेके 210 तक वो सब याद कर ले विद एग्जांपल, गूगल पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी, उनको याद करें, उनका स्टेटस कोड का मतलब क्या है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो पक्का याद करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ये आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत आगे काम आएगा। सो दिस इज द ऑल अबाउट द स्टेटस कोड। सो आज ये हमारा चैप्टर खत्म होता है एचटीटीपी का। थैंक यू। हेलो गाइस, सो आज हम अपना चैप्टर 3 एपीआई मैनुअल टेस्टिंग को कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर अभी तक हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, एपीआई क्या होता है, एपीआई का यूज़ क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या रिलायबिलिटी है, क्या क्रेडिबिलिटी है, किसके बीच में लेयर्स और किस लेयर्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, क्यों ज़्यादातर आजकल डिमांड में चल रही हैं, किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं। फिर हमने एचटीटीपी की रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ा, रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा। अब हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है या फिर एचटीटीपी रिस्पॉन्स आता है उसके अंदर एक बॉडी होती है जिसके अंदर डिटेल्स होती है, बॉडी को ही हम पेलोड बोलते हैं। हम उसको समझेंगे क्या होता है पेलोड, क्यों यूज़ करते हैं हम पेलोड्स के अंदर, अलग अलग तरीके के जेसन जो पेलोड्स होते हैं, जैसे एक जेसन हो गया, एक्सएमएल हो गया, एक ये होता है, ये लिस्ट को मैंने आपने बहुत रेयरेस्ट सुना होगा कभी, ये ज़्यादातर यही यूज़ किए जाते हैं। जो जेसन है वो रेस्ट एपीआईस के लिए यूज़ किया जाता है जनरल वे में, और एक्सएमएल हमारा सोप एपीआईस के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम इनको पूरी तरह डिटेल्स में अब हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। सो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज पेलोड। तो पेलोड है क्या बेसिकली, पेलोड बेसिकली क्या है, पेलोड
इज द बॉडी ऑफ HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। जो आपने HTTP पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है, उसके अंदर हम बॉडी मिलती है, वो उस बॉडी को हम पेलोड बोलते हैं जनरल API के सेंस में। आपको कभी भी बॉडी बोलते हुए नहीं सुनेंगे, कोई भी आप इंटरव्यू में पूछेंगे या फिर आप जनरल वे में जब आप API टेस्टिंग कर रहे होंगे या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन का जब वर्क कर रहे होंगे, आपको ये वर्ड बहुत कॉमन सुनने को मिलेगा एज कम्पेयर टू बॉडी ऑफ API। सो ज़्यादातर आपको भी अपने दिमाग में पेलोड को ही सेट करना है। अब बेसिकली है क्या, जब हम कोई वेब पेज, कोई बंदा जब हम ब्राउज़र के ऊपर कुछ सर्व कर रहे हैं तो ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है, रिसीव करता है HTML पेलोड्स। जो पेलोड्स होती हैं वो हमको रिक्वेस्ट करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब डाटा जो हम भेज रहे हैं ब्राउज़र के थ्रू या रिसीव कर रहे हैं ब्राउज़र के थ्रू, वो पेलोड्स की फॉर्म में ही होता है। इसलिए पेलोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ। एक्चुअली जब भी आप कोई भी आप API, जब मैंने आपको बताया था कि पेलोड्स की टाइप क्या क्या है, JSON, XML, ये सब, सो जो भी आप कभी भी अब API टेस्टिंग में जब आप प्रोसीड करोगे, सो आपको HTTP जो API हिट करोगे या आप वो रिक्वेस्ट करोगे, कुछ भी करोगे, जो आपको सेंड या रिसीव होगी वो JSON या XML पेलोड्स की फॉर्म में रिसीव होगी। जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे वो मोस्टली ऑथेंटिकेशन के अंदर हम रिक्वेस्ट करते हुए मिलते हैं, रिस्पॉन्स में हमें ज़्यादातर अनरल एनकोडेड, हम अनरल एनकोडेड को URL एनकोडेड भी बोलते हैं जनरल फॉर्म में, वो हमको नहीं देखने को मिलेगी। तो बेसिकली अभी आपको जो अंडरस्टैंडिंग है पेलोड की वो अब क्लियर हो गई होगी। पेलोड क्या होता है, कौन से ब्राउज़र पे जो हम भेजते हैं तो क्या होता है, जनरल वे में कितने तरह के HTTP के पेलोड्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा Why payload is used? हम payload को क्यों यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली अभी तक मैंने बताया आपको कि payload होता क्या है, payload के अंदर क्या करते हैं। सो बेसिकली जो भी हमें डाटा सर्वर पर भेजना है या रिसीव होना है उसके लिए हम payload को यूज़ करते हैं। जनरली जो डेवलपर्स होते हैं वो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सो सिंपली यूज टू डिफ्रेंशिएट इंफॉर्मेशन विच इज़ यूज टू परफॉर्म एनी एक्शन एंड इन्फॉर्मेशनल ओनली फॉर सपोर्ट होते हैं, वो पेलोड्स को क्यों यूज़ करते हैं, पेलोड्स की क्या यूज़ है, ताकि जो उसने हमें एक्शन परफॉर्म करेंगे, हम API की रिक्वेस्ट करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन और ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हम हेडर्स के थ्रू पास करते हैं, जिसको हम मेटा डेटाज भी पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे हेडर्स क्या होते हैं उसके बारे में। जो हम इन्फॉर्मेशनल इन्फॉर्मेशन होती है और एक होती है जो डाटा प्रोवाइड वाली इन्फॉर्मेशन, जो डाटा प्रोवाइड वाली है वो पेलोड के थ्रू सेंड की जाती है और जो इन्फॉर्मेशनल है वो हेडर के थ्रू सेंड की जाती है। सो इसीलिए सबसे ज़्यादा पेलोड यूज़ की जाती है। जो हमें सर्वर पर डाटा भेजना है उससे या फिर रिसीव करना है उसके फॉर्मेट को ही हम पेलोड बोलते हैं। हेलो गाइस, तो अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो हम टाइप्स ऑफ पेलोड के बारे में हमने पढ़ा था कि JSON, XML और URL encoded वाले के बारे में, अब हम JSON को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। JSON सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पेलोड है, सो हम इसको पूरा इलेबोरेट करूँगा मैं कैसे JSON पार्सिंग करनी है, जो आपकी आगे वाले आने वाले टॉपिक API चेनिंग के अंदर काम आएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं JSON से। सो बेसिकली JSON होता क्या है, JSON की फुल फॉर्म होती है JavaScript ऑब्जेक्ट नोटेशन। सो बेसिकली ये क्या है, ये एक टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है JavaScript के कोड की। सो बेसिकली ये जो हम लिख रहे हैं, ये सब ये जो हमने लिखा है, ये एक JavaScript का कोड भी है जो कि एक वैलिड कोड है। तो बेसिकली जो हम डाटा भेज रहे हैं उसकी एक टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है JavaScript के कोड में, उसको बोलते हैं JSON। सो JSON के दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल JSON, एक होता है कॉम्प्लेक्स JSON। सो सिंपल JSON में बेसिकली क्या होता है, एक JSON ऑब्जेक्ट बन से स्टार्टिंग होती है, उसके अंदर मल्टीपल्स उसके फील्ड्स होती है और उससे फील्ड से एसोसिएटेड उसकी एक वैल्यूज होती है। अभी मैं थोड़ा और डिटेल में आपको JSON ऑब्जेक्ट क्या होता है, JSON एरे क्या होता है, फील्ड क्या होता है, इन सबको डिटेल में हम आगे समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सिंपल JSON के अंदर ना कोई JSON एरे बनती है
या फिर ऐसा कुछ होता है उसमें सिंपल जेसन ऑब्जेक्ट से क्रिएट करते हैं और मल्टीपल फील्ड जितनी भी होती है वो सब डाल देते हैं। ज़्यादा कम से कम यूज़ होने वाली ये वो है फील्ड है, टाइप ऑफ जेसन है, लेकिन हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, आप कभी भी किसी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ देखोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स जेसन मिलेगा। क्योंकि आप खुद ही बताओ, जैसे आपको अपने बारे में डिटेल्स बतानी है तो आपको क्या क्या बताना होता है, जैसे नेम बताना होता है, फील्ड फादर्स नेम, फील्ड आपने कौन सी वर्क में कर रहे हो, आपका एड्रेस, एड्रेस के अंदर बहुत सारी लाइनें होती है, स्ट्रीट कौन सी है, सिटी कौन सी है, पिन कोड क्या है, तो वो सब हम एक फील्ड के अंदर ना देके हम उनको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना देते हैं एरे, और उस एरे के अंदर हम स्ट्रीट कौन सी है, डिटेल्स को ये सब डिटेल डालते हैं, आपकी एजुकेशन कौन सी है, 11th के लिए अलग फील्ड, 10th के लिए अलग फील्ड, 12th के लिए अलग फील्ड। सो इस तरह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो जेसन बॉडी में है वो है कॉम्प्लेक्स जेसन। अब हम पढ़ेंगे जेसन के बारे में और डिटेल्स। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको जेसन के बारे में सिंपल और कॉम्प्लेक्स जेसन के बारे में बताया था, जेसन होता क्या है उसकी फुल फॉर्म बताई थी, बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट कोड होती है जो टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी, जो जेसन बॉडी आप भेज रहे हो HTTP रिक्वेस्ट में या फिर आपको जो रिसीव हो रही है HTTP रिस्पॉन्स के अंदर। सो अब हम और डिटेल्स में थोड़ा समझेंगे कि उसके अंदर जो सेट होते हैं की वैल्यूज़ की पेयर में उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। सो बेसिकली जेसन के अंदर हम हायरार्किकल सेट के फॉर्म में की और वैल्यूज़ को हम उनके जो की वैल्यू का पेयर है उनको हम डिनोट करते हैं, उनको हम बताते हैं। बेसिकली हम चार चीज़ें यूज़ करते हैं जेसन के अंदर, जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड भी है। पहला होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। एक एरे होता है जिसको हम क्लोजिंग ब्रैकेट या फिर हिंदी के फॉर्म में हम इसको बड़ी ब्रैकेट से भी जानते हैं, स्ट्रिंग जिसको हम डबल कोटेशंस के फॉर्म में डिनोट करते हैं। एक इंटीजर और डेसिमल वैल्यूज जैसे 32 हो गया, 14.15 हो गया, एटसेट्रा, इस तरह से हम वैल्यूज़ को डिनोट करते हैं। जो इनके अलावा बच जाती है वो इंटीजर्स के अंदर या डेसिमल फ्लोट्स वैल्यूज़ के अंदर कंसिडर की जाती है। इन सब के वेरियस कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का कोड तैयार होता है जिसे हम जेसन बोलते हैं, जिसे हम HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में यूज़ करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। अब मैं आपको एक जेसन पार्सिंग पढ़ाऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखना, कैसे हम किस पॉइंट पर पहुँचते हैं जेसन के अंदर। ये आपको API चेनिंग के अंदर आपको वेरिएबल जो आप हम क्रिएट करेंगे, जो हम नेक्स्ट API रिक्वेस्ट जब हम हिट करेंगे HTTP रिक्वेस्ट, वहाँ पर उस वेरिएबल को स्टोर करने में, उस पॉइंट तक पहुँचाने में हेल्प करेगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा जेसन पार्सिंग। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप उसके नोट्स बना लीजिएगा। हेलो गाइस, सो अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाली है आगे आने वाले टॉपिक API चेनिंग से रिलेटेड, क्योंकि इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे जो हम आपको पोस्टमैन की API ऑटोमेशन जब हम सिखाएंगे आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये जो फंक्शंस मैं उसके अंदर आपको डिफाइन करूँगा, जैसे एक्सपेक्ट और सेट फंक्शंस, कैसे वेरिएबल्स तक पहुँचना है, कैसे उनको स्टोर करना है, क्या मैसेज वेरीफाई करना है जो हमको HTTP रिस्पॉन्स के अंदर आया है, वो सब हम इसके अंदर सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सो अब हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर बेसिकली मान लो आपको जब आपने HTTP रिक्वेस्ट हिट करी, सो आपको API ने एक HTTP रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा जो कि इस फॉर्म में है, एक जेसन ऑब्जेक्ट जो हमने नोटेशन में बताया था, ये स्ट्रिंग है, ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा जेसन एरे है। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में आपको बताया था कि चार तरह के नोटेशंस जो जेसन के अंदर यूज़ की जाती है वो क्या है। सो बेसिकली ये हमारा HTTP रिस्पॉन्स है, इसके अंदर एक सक्सेस नाम के एक फील्ड है जो हमको बता रही है कि आपकी API
सच चल चुकी है, ट्रू आया हमारा सक्सेसफुल, जो आपकी एपीआई का नेम के बारे में, रिस्पॉन्स के बारे में बता रही है, कोई एरर आया है नहीं आया उसके बारे में, जो आपको रिजल्ट आया है उसकी फॉर्म में, मान लो आपने फॉर्म क्रिएट किया था कोई वेबसाइट के अंदर, उसके अंदर आपने फील्ड भरी थी, आपको उस फील्ड की दो अलग अलग रिस्पॉन्सेज आए हैं, आपका जो आपने फील्ड जो आपको फॉर्म फिल करने के बाद एक इंडेक्स जनरेट हुआ है उसकी डिटेल्स आई है, ये एक अलग वो है जेसन एरे, ये एक अलग फील्ड है, ये एक अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है, एक अलग फील्ड है, इन सब के लिए जेसन अलग अलग पॉइंट तक पहुंचना या फिर उसके अंदर जो मैसेज आया है जो कि ये है, इनको स्टोर कराना, हम आगे इसमें समझेंगे। अभी तो यही था डिटेल है। अब मान लो जैसे मुझे हम मेरे को ये वेरीफाई कराना है कि जो मेरा नेम आया है वो ये टेक्स्ट आया है या नहीं आया, ये वेरीफाई कराना है, सो हमको इस प्रोसीजर को बोला जाता है जेसन पार्सिंग, ठीक है, उस पॉइंट तक पहुंचना जो आपके रिस्पॉन्स में आया है। सो बेसिकली हम जब हम पोस्टमैन के अंदर ऑटोमेशन सीखेंगे तो एक रेफरेंस वेरिएबल जैसे आपको मिलेगा, जैसे एक साइप्रस एक ऑटोमेशन टूल होता है वेब बेस्ड के लिए, उसके लिए एक CY चलता है, ऐसे ही पोस्टमैन के अंदर एक PM नाम का रेफरेंस वेरिएबल चलता है जिसके थ्रू हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। एक डॉट ऑपरेटर होता है जिससे हम एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक मूव करते हैं, जैसे आपको वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट, सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे मूव करना है, तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम नेक्स्ट पॉइंट तक मूव करते दिखाई देंगे। सो इस तरह हम अलग अलग पॉइंट पे मूव करेंगे। सो अब हम समझते हैं एक PM जो रेफरेंस वेरिएबल है पोस्टमैन का, वो जो आपका पूरा जो रिस्पॉन्स आया वो जेसन फॉर्मेट में, वो मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल, जिस रेफरेंस वेरिएबल का नाम है जेसन डाटा, इसके अंदर स्टोर कर लिया। अब इस वेरिएबल जो जेसन डाटा है उसके अंदर ये पूरी वैल्यू है। अब हम इस जेसन डाटा का यूज कर करके अलग अलग पॉइंट पर मूव करेंगे, जो हम कैसे करेंगे मैंने अभी आपको बताया था कि डॉट ऑपरेटर के थ्रू। सो सबसे अब मान लो मेरे को दो चीजें करनी होती है एपीआई के अंदर, एक मान लो अगर हमको वैलिडेशन चेक करनी है कि मैसेज जो मेरा आया है वो करेक्ट आया नहीं आया, तो हम एक फंक्शन यूज करेंगे। इसी तरह जब हमको इस वेरिएबल्स को, ये जो वैल्यू आई है फॉर्म प्लेयर आईडी 1 के अंदर 1, 2, 3, 4, उसको मुझे स्टोर करना है, तो एक सेट नाम का फंक्शन होता है, उनको समझेंगे। ये हमारा एक्सपेक्ट फंक्शन है मैसेज चेकिंग के लिए, एक स्टोरिंग के लिए सेट नाम का फंक्शन होता है जो हम जावा के अंदर भी सीखते हैं, गेटर और सेटर मेथड जिसको हम बोलते हैं, वो ये सेट मेथड क्रिएट करता है। सो बेसिकली हमने क्या है, जेसन डाटा के अंदर हमने स्टोर करा लिया था। अब हमको मान लो इस जेसन डाटा में नेम नाम का रेफरेंस वेरिएबल तक मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, जेसन डाटा डॉट नेम का यूज करूंगा। उससे क्या होगा, मैं इस पॉइंट से यहां पर मूव कर जाऊंगा, तो अब इस वेरिएबल को मैं वेरीफाई करूंगा, इसके अंदर जो की वैल्यू के अंदर जो वैल्यू आई है उसको एक्सपेक्ट करूंगा कि वो हमारा जो वैल्यू है उसके इक्वल है या कंटेन्स है। जावा के अंदर दो फंक्शंस हमने पढ़े हैं, इक्वल और कंटेन्स। इक्वल उसके अंदर एग्जैक्ट टेक्स्ट को मैच करता है विद केस सेंसिटिव फाइल्स। सो मान लो जैसे PM डॉट एक्सपेक्ट नाम का जो मैंने फंक्शन जो मैसेज वेरीफाई कर रहा है, जेसन डाटा डॉट नेम, तो वो इस पॉइंट तक मूव कर जाएगा। टू एक ऑपरेटर डॉट लगा के टू ये फंक्शन लगा, डॉट इक्वल या कंटेन, दो अलग अलग फंक्शन है। इक्वल फंक्शन क्या करेगा, अगर मैं पूरा एज इट इज पास करूंगा तो ही उसको ट्रू पास करेगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। और अगर मान लो मैं कुछ इस जैसे इसके अंदर मैंने स्मॉल आर सेट कर दी, यहाँ पे कैपिटल आर था, तो वो मिसमैच हो जाएगा, तो फिर इसको फॉल्स रिस्पॉन्स में देगा और आपका ये बता देगा कि जो आपका रिस्पॉन्स है वो गलत आया है इस फॉर्म में। अगर कंटेन्स यूज करते हैं तो कंटेन्स के अंदर हम उसकी लेसर अमाउंट भी डाल सकते हैं। मान लो मैंने खाली पास डाला या खाली अजय डाला, तो जैसे AJAY डाला वो बिल्कुल सही है, तो इस तरह हमारा ट्रू रिजल्ट आएगा। अगर मैं इसके अलावा कुछ और डालता हूँ, जैसे हाइफन हाइफन डाल दूँ एग्जांपल सिर्फ, तो इसके अंदर हाइफन एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, तो इसको दिखा देगा ये। तो अगर मान लो मैं इसके अंदर कोमा डाल देता हूँ, इसके अंदर कोई कोमा नहीं है, तो ये फॉल्स कर देगा। सो इस तरह से कंटेन्स और इक्वल फंक्शन वर्क करते हैं। इक्वल एग्जैक्ट टेक्स्ट विद केस सेंसिटिव मैच करता है, कंटेन सिर्फ इसके अंदर अगर कोई भी ऐसा सिमिलर वर्ड उसको मिलता है तो वो उसको ट्रू पास करके हमको बता देता है। तो अब आपका यूजेज आप खुद अपने अकॉर्डिंगली, जो आप अपने एपीआई चैट टेस्टिंग के दौरान हम यूज करेंगे वो हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक मैसेज चेक की हमें प्रोसीजर समझ आ गया कि ऐसे हमें करना है, एक्सपेक्ट फंक्शन का यूज करके, फिर टू ऑपरेटर का लगा के, फिर इक्वल या कंटेन जो सा हमें फंक्शन यूज करना है, और एक इसको
पॉइंट पर मूव करना, ये जेसन पार्सिंग कहलाता है। तो जेसन पार्सिंग का सबसे ज्यादा यूज क्या है कि जो हमारा रिस्पॉन्स आया उस तक मूव करना, उसके अंदर जो टेक्स्ट आया उसको वेरीफाई कराना, पहला पॉइंट। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं कि मान लो जैसे मुझे इस पर मूव करना है और इस वेरिएबल जो वैल्यू आई है 1 2 3 4, इसको एक वेरिएबल नाम के अंदर स्टोर कराना है। मान लो उस वेरिएबल का नाम एबीसी रख देता हूं मैं फॉर एग्जांपल, तो एबीसी के अंदर 1 2 3 4 स्टोर हो जाए जाके, ऐसा मुझे करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है पोस्टमैन के अंदर जिसको हम सेट फंक्शन बोलते हैं। सेट फंक्शन का हम यूज करेंगे। अब इसको हम ग्लोबली सेट करेंगे, तो एक pm.globals.set, ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया पूरा ब्रैकेट में जो हमें उसका नाम देना है वेरिएबल का। यहां पे मैंने क्या नाम दिया था, एबीसी, तो इस वेरिएबल का नाम यहां पे रख के एबीसी रख देंगे। सिंपल, एबीसी कोमा लगा के फिर जब जो से पॉइंट तक हमें मूव करना है, ये पूरा जेसन डाटा था हमने स्टोर कराया था, तो जेसन डाटा इसके अंदर एक रिजल्ट है, रिजल्ट एक एरे है। अब एरे के अंदर आपको पता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं सिमिलर वैल्यूज के, सो ये एक सिमिलर वैल्यू का ऑब्जेक्ट है, दिस वन फर्स्ट और दिस वन सेकंड। लेकिन आपको एरे का पता हो, अगर जावा आपने थोड़ी बेसिक नॉलेज है आपको जावा की, तो जावा के अंदर एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और आगे तक मूव करता है। सो इसी तरीके से अब रिजल्ट का 0, तो रिजल्ट का जब हम 0 पे देखेंगे तो उसके पास वो इन दोनों पॉइंट पे चला जाएगा यहां पे। इसके बाद अगर हमको फॉर्म प्लेयर आईडी पे जाना है तो डॉट ऑपरेटर लगाएंगे नेक्स्ट पे मूव करने के लिए और इस वैल्यू को उठा देंगे इस की को, फॉर्म प्लेयर आईडी, यहां से वो इस पॉइंट पे मूव कर जाएगा और यहां पे आने से पहले जेसन डाटा लगा देंगे। सिंपल। तो इस तरह हमारा जो मूवमेंट होगी यहां से फिर यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां तक मूव करने के बाद ये जो वैल्यू आई थी 1 2 3 4 वो इस वेरिएबल एबीसी के अंदर स्टोर हो जाएगी। सो सिंपल। अगर मान लो, अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, अगर आपको मान लो इसके फॉर्म प्लेयर नेम को स्टोर कराना है एक रेफरेंस वेरिएबल एक्स वाई जेड के अंदर, तो आप क्या करोगे? आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चाहो तो बता सकते हो, अगर आप नहीं बताते तो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि हमें रिजल्ट का फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, तो यहां पे एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा और यहां पे जो वैल्यू होगी वो आप खुद देख सकते हो इन दोनों में से कौन से हम यूज करेंगे इसको स्टोर कराने के लिए। सो इस तरह हमारी जेसन पार्सिंग पूरी एग्जैक्ट खत्म होती है मल्टीपल। अब आपको इसके अंदर कुछ और डाउट होते हैं तो आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। हेलो गाइस, सो अब हम अपना नया वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी पेलोड्स वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं और इसको हम लगभग ख़त्म करने के पॉइंट पे आ चुके हैं। इसके अंदर अब हम डिटेल नेक्स्ट वाला पेलोड, जैसे हम पिछले वीडियो में जेसन, जेसन की पार्सिंग जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल की इंडस्ट्रीज में, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है REST API, उसके बारे में हमने समझा कि जेसन पार्सिंग कैसे करनी है। अब हम मैं आपको XML के बारे में बताऊंगा, ये कम यूज़ होने वाली है, सो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही बहुत रहेगा इसके बारे में। अगर आपको बहुत ही रेयर REST, आपको जैसे SOAP कि जब आपको टेस्टिंग करनी होगी वो हम आगे समझाऊंगा मैं वो हम कैसे करेंगे, लेकिन उसके अंदर जरूरत होगी। लेकिन आजकल ज़्यादातर हम पोस्टमैन को देखने को मौका मिलता है, पोस्टमैन के अंदर REST APIs यूज़ करी जाती है, जो जेसन है। जेसन पार्सिंग मैंने आपको सिखा दिया कैसे रिस्पॉन्स को कैसे स्टोर करना है, कैसे वेरिएबल तक पहुँचना है, वो सब हम पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आप उस पॉइंट पर जाकर आप दोबारा से उन वीडियो को रिकैप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। सो बेसिकली XML क्या है? XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक HTML का वेरिएंट है। आपने कभी देखा हो HTML का वेरिएंट भी इस तरह से टैग से स्टार्ट होता है, उसके बीच में वैल्यूज लिखी जाती है, उनकी एलिमेंट्स होते हैं, क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट होती है, उससे एसोसिएटेड उसकी कुछ वैल्यूज होती है, एट्रीब्यूट का नेम होता है, एट्रीब्यूट की वैल्यूज होती है, एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। सिमिलर तरीके से एक XML बनाई जाती है, इसके अंदर भी वही होता है, एलिमेंट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं। एग्जांपल जैसे स्टेट टैग हो गया, स्टेट के अंदर ये हो गया, ये एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को समझा रहा है, ये हमारा ओपनिंग है।
जब हम हाइफन से स्टार्ट करते हैं बैक स्लैश से, तो वो क्लोजिंग टैग के लिए एसोसिएट किया जाता है। एक वैल्यू होती है इनके बीच की जो ये होती है, इसको वैल्यू बोला जाता है। टेक्स्ट बिटवीन टू टैग्स, एक टैग ये एक टैग ये, इनके बीच की जो वैल्यू होती है उसको हम वैल्यू बोल लेते हैं। एलिमेंट की कुछ वैल्यू हो सकती है, एलिमेंट की कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उस एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंगली कुछ वैल्यूज़ होती हैं। जैसे टाइप एक एट्रीब्यूट है, इंटीजर उसकी एक वैल्यू है, आईडी एक टैग है जो मैंने आपको बताया, जो इससे स्टार्ट होते हैं वो टैग से स्टार्ट होते हैं। ये हम अभी मैंने इस वीडियो में आपको समझाया, ओपनिंग और क्लोजिंग आपको समझ आ गया, वैल्यू क्या होती है वो समझ आ गया, एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स की वैल्यू क्या होती है वो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया आपको। अब इसी तरीके से एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट्स को कंटेन कर सकता है। जैसे ये एक प्रोजेक्ट एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक कोर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर फिर आईडी है, ये सब है, और फिर वो क्लोजिंग हो गए प्रोजेक्ट्स है वो उसके अंदर, तो मल्टी एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट्स को कंटेन कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू बता रखा है कि प्रोजेक्ट जो एरे टाइप का है उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और फिर वो उसको स्टोर कर रहा है, एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है। सो इसको हम नेस्टेड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। सो XML इज कंस्ट्रक्ट ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स विच इज़ अ नेस्टेड फॉर्म, कि बहुत सारे एलिमेंट्स नेस्टेड फॉर्म में होते हैं वो उसको XML बोला जाता है। सो XML को ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन करने के, टेस्टिंग के अंदर भी ब्रीफली होता है, हमें इस वैल्यू को मेन यूज़ होता है, इस एट्रीब्यूट वैल्यू से एसोसिएटेड होते हैं, इनका यूज़ करके इनको मॉडिफाई करते हैं, इनको ऑटोमेट करते हैं, इनके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ मॉडिफाई करते हैं, वो वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है आपके UI कंपोनेंट पे। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में कि तीन लेयर्स होती है, एक डाटाबेस लेयर होती है, एक API लेयर होती है, एक बिजनेस लेयर जिसको हम UI लेयर भी बोलते हैं। सो बेसिकली API से जो आपने एक्शन परफॉर्म किया वो इसके अंदर अपडेट करने पे वो आपको UI में रिफ्लेक्ट होगा। सिमिलरली रेस्ट जो हमने JSON में पढ़ा उसमें भी ऐसे ही होता है। सो ये हमारा बेसिकली हमारा पेलोड्स का यूज़ था। आपने दो तरह की पढ़े, JSON को और XML को। JSON को आपने ब्रीफली एक्सप्लेन किया, XML को आपको समझा कि बेसिकली होता क्या है, टैग्स क्या होते हैं, किस वैल्यू के अंदर हम अपडेशन करने वाले हैं, कौन एट्रीब्यूट होता है, कौन सा टैग होता है, कौन सा क्लोजिंग, कौन सा ओपनिंग। सो अब हमारा पेलोड्स वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको बस एक URL एनकोडेड वाला बच जाएगा, वो हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। URL एनकोडेड बहुत ही रेयरेस्ट आपसे कोई पूछेगा, आज तक तो मेरे को इतने करियर का एक्सपीरियंस है, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में कभी आप अगर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोलोगे कि आप URL एनकोडेड भी समझाइए तो मैं उसको समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं उस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ और नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करूँगा अपने API टेस्टिंग के लिए। थैंक यू। हेलो गाइस, सो आज हम अपना नया चैप्टर हेडर को स्टार्ट करेंगे अपने API टेस्टिंग को कंटिन्यू करने के लिए। उससे पहले आप सभी का धन्यवाद मेरे चैनल को 100 सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए। मेरे को अभी YouTube से मेल आया, सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू दिस टेस्टिंग से जिससे में रिलेटेड वीडियोज़ है, चाहे वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो, सिक्योरिटी हो, API हो, मैनुअल हो, आगे आने वाली ऑटोमेशन हो। आपको मोटिवेशनल के लिए दो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने भी डाला है, हाउ टू स्विच फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेशन, वो भी वैसे ही प्लेलिस्ट आपको मिलती रहेगी आने आने वाले भी वीडियोज़ के दौरान। सो हमने अपना चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले हैं हेडर। इसके बाद बेसिकली हमारा सिर्फ एक टॉपिक बच जाएगा API के मैनुअल के अंदर थियोरेटिकल पोर्शन में। फिर उसके बाद में एक नई प्लेलिस्ट जिसके अंदर पोस्टमैन की टेस्टिंग कैसे करते हैं पोस्टमैन के अंदर उसको बताऊंगा, और उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होंगे उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको रियल लाइफ सिनेरियोस के अंदर यूज़ कर सके आप उन सब का। फिर उसी कोड को जो मैंने पोस्टमैन के थ्रू मैनुअल दिखाया है उनको हम पोस्टमैन के थ्रू ही ऑटोमेट करना सीखेंगे। तो इस तरह आपका पूरा कंप्लीट सेट API का हो जाएगा। उसके बाद फिर API के इंटरव्यू क्वेश्चंस के स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं जो मैनुअल की थ्योरेटिकल पोर्शंस की जो प्लेलिस्ट है वो साथ के साथ पैरेलली एक दो वीडियोस उसकी डालता रहूँगा APIs के साथ साथ, ताकि पैरेलली आपका मैनुअल का पूरा कंप्लीट हो सके। फिर उसके बाद हम अपना जावा के SDET से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे।
चलो अब हम अपना शुरू करते हैं हेडर के टॉपिक को, और ये एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा क्योंकि हेडर एक बड़ा टॉपिक नहीं है अपने आप में। सो इसको और जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है HTTP मेथड्स और उनको गेट APIs कैसे वर्क करती है, पाथ पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर, उन सबको मैं इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड करूँगा। सो बेसिकली दो वीडियो ही बनेगी इस चैप्टर की, ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक। सो अब हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है हेडर बेसिकली। अब जैसे हम मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि कोई भी HTTP रिक्वेस्ट आपको क्या होता है आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो पे गो थ्रू करिए, उनसे HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है उनको समझिए। उसके अंदर URL होता है, वर्ब्स जिसको हम HTTP मेथड बोलते हैं, गेट, पुट, पोस्ट, ये सब मैंने आपको बताया था थोड़ा सा। अब और डिटेल में आ गया, एक और वीडियो मिलेगी उसमें और ज्यादा डिटेल बताऊंगा। सेट ऑफ हेडर्स, ये आ गया हमारा वर्ड। एंड देन ऑप्शनल पेलोड, पेलोड ऑप्शनल होती है, आपको पता है गेट के लिए नहीं पास करते, पोस्ट और पुट में पास करते हैं इस तरह से, और ये सब मिलकर एक HTTP रिक्वेस्ट बनती है। तो बेसिकली एक हेडर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बन गया आपका HTTP रिक्वेस्ट के लिए। अब जैसे कोई एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब पोस्ट और पुट के बीच में डिफरेंस ये आपको याद होना चाहिए। पोस्ट से हमारा स्टेटस कोड कौन सा आता है, 200 आता है, 201 आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो मुझे पता होना, वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे एक वेबसाइट है facebook.com, उसके ऊपर एप्स के हम नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, उससे हम लर्न टेस्टिंग बाय AD पे मूव किया, उससे मैंने एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ बेसिकली। सो ये हमारी एक HTTP रिक्वेस्ट हो गई पूरी, जो पोस्ट टाइप की है ये हम हेडर्स होंगे। क्या क्या होंगे, होस्ट कंटेंट टाइप एक्सेप्ट, ये हमारे हेडर्स हैं जो हमें बता रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTTP रिक्वेस्ट। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो डाटा का डाटा बता रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेटा डाटा ऑफ द मैसेज। सो इसकी डेफिनेशन होती है हेडर्स आर द मेटा डाटा ऑफ द मैसेजेस, आपकी जो डाटा है उसके अलावा उसकी एडिशनल चीजें बताना। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है 1957 में कुछ हुआ, और उसका रेफरेंस और ज्यादा डिटेल में किसी और बुक के साथ है, वो उसका रेफरेंस दिया हुआ है। सो बेसिकली वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो बेसिकली हेडर भी उसी तरीके का जो ज्यादा इंफॉर्मेशन बेसिकली रख रहा है डाटा की। सो दिस इज कॉल्ड द हेडर बेसिकली। सो अब हम इनको तीन, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे तरह के होते हैं हेडर, हम जनरली कभी भी आप गौर करोगे तो दो तीन तरह के देखने को मिलेंगे आपको। एक होस्ट कि किस सर्वर के ऊपर आपका हेडर जाएगा, जैसे fb.com हमारा हो गया, ठीक है। कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप आपको मैं बता चुका हूँ कि अलग अलग तरीके के जेसन मतलब पेलोड होते हैं, कौन से, जेसन, XML। तो हमारा जो कंटेंट टाइप है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक URL एनकोडेड भी होता है, वो बहुत रेयर यूज होता है, तो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। तो आप बेसिकली दो से इम्प्लीमेंट करना, एक एप्लीकेशन जेसन और एक XML वाला। तो कंटेंट टाइप हमारा एप्लीकेशन जेसन है, जो हमारी रिक्वेस्ट है जा रही है वो एक जेसन फॉर्मेट में जा रही है इस सर्वर पर, ये हमें कंटेंट टाइप बता रहा है। एक्सेप्ट क्या बता रहा है कि जब जो हमको रिस्पॉन्स आएगा वो भी एक जेसन रिस्पॉन्स आएगा। सो बेसिकली मैसेज की और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कौन, होस्ट, कंटेंट टाइप और एक्सेप्ट। सो दिस इज कॉल्ड हेडर, समझ आया। अब इसके बाद हमारे ये सिर्फ ये नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन की डिटेल डाल देना, ये हमारा एक हेडर होता है कि कितना मैसेज का लेंथ हो सकती है, उसकी डिटेल भी हम हेडर के सेट के थ्रू भेज सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हम उसको हेडर में भेज सकते हैं। इससे ज्यादा आपको किसी भी इंटरव्यू में कभी नहीं पूछा जाएगा, आपको बेसिक पॉइंट सिर्फ ये याद रखना है कि डेटा की डिटेल बताता है। सो इसीलिए इसको मेटा डेटा ऑफ द मैसेज बोला जाता है। कौन से एग्जाम्पल्स, होस्ट, कंटेंट टाइप, एक्सेप्ट बता सकते हो कि जैसे facebook.com वाला हो गया, आपको एग्जाम्पल आप समझ ही गए होंगे, और एक HTTP रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या होता है वो आप समझ चुके हो, इसलिए हेडर की वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपको समझ आ गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस हेडर टॉपिक। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से जो API में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथोराइजेशन, या फिर 401 और 403 कोड में अंतर क्या है वो बताइए। आपको कब 401 दिखता है, 403 कब दिखता है।
सो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल आपको समझ आ जाएगी विद एग्जांपल के थ्रू। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वर्क करती है चीज़ें। सो बेसिकली थ्योरेटिकल से समझा देता हूँ सबसे पहले कि जैसे कोई वेबसाइट है फॉर एग्जांपल youtube.com, जिसके अंदर क्रेडेंशियल्स की जरूरत पड़ती है और अलग अलग यूज़र के अलग अलग प्रोवाइडर होंगे, जैसे कि एडमिन को अलग अलग एक्सेस के राइट होंगे, आपको अलग होंगे, इसी तरह कोई तो थर्ड पर्सन है उसके लिए अलग होंगे, जैसे कैरेमिनाटी के लिए अलग होंगे, जैसे कोई यूट्यूबर है आशीष चंचलानी उसके लिए अलग होंगे, मेरे लिए यूट्यूब के राइट्स अलग होंगे, जिस बंदे ने यूट्यूब बनाया है गूगल के थ्रू तो उसके राइट्स अलग होंगे, वो एडमिन होगा। तो इस बेसिस पे सबकी अलग अलग क्रेडेंशियल्स की डिटेल होगी। सो अब हमें कैसे पता लगेगा उसको API को कि इस बंदे को पास एक्सेस जो उसने डाली है वो सही डाली है नहीं डाली, वो डाल पता चलती है ऑथेंटिकेशन के थ्रू। वो आपकी क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करता है। जैसे मेरी जो वेबसाइट है तो YouTube का चैनल है जैसे लर्न टेस्टिंग बाय AD, इसके अंदर मेरा कुछ पासवर्ड रहेगा XYZ एग्जांपल, अगर मैं XYZ की बजाय कुछ और डालता हूँ तो एरर आना चाहिए। सो बेसिकली और वो एरर क्या आएगा, फॉरबिडन। समझ आया? सो दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। आपने क्रेडेंशियल में गड़बड़ कर दी लेकिन आपको उस एक्सेस का, उस वेबसाइट को चलाने का एक्सेस है, ये होता है ऑथेंटिकेशन। ये कैसे मेंटेन किया जाता है, सिंपल है, जैसे मैंने भी आपको बताया पासवर्ड के थ्रू मेंटेन किया जाता है। ठीक है, क्या हम इसको यूजर देख सकता है इसके डिटेल्स को? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, आप जब कोई भी डिटेल इंटर करते हैं, यस पासवर्ड कैन बी सीन, उसमें नहीं देख सकते वो हम डिटेल में भी आगे बताऊंगा मैं इसको, अभी हम पासवर्ड को डिटेल में हम देख सकते हैं। अब जैसे मैंने कोई गलत चीज डाली तो उसको एक्सेस नहीं होगा, तो फॉरबिडन 403 एरर आएगा स्टेटस कोड में। सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन है। सेकंड स्टेप ऐसे क्यों? क्योंकि मैंने पहले क्या बोला, सबसे पहले कि कोई भी वेबसाइट को सबसे पहले आपके पास एक्सेस होना चाहिए, उसको चलाने के बाद फिर उसके बाद आप लॉगिन कर पाओगे। तो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्सेस होना बाय एडमिन या फिर जो भी सिक्योरिटी पर्सन है उसके थ्रू, फिर उसके बाद हम एक्सेस करेंगे अपनी यूजर के थ्रू। सो ये एक सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन है। फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन फिर क्या बन जाएगा हमारा, ऑथराइजेशन। सिंपल। सो ऑथराइजेशन क्या करता है, ग्रांट करता है या डिनाई करता है हमारी परमिशन को, जो भी अभी मैंने बताया, जैसे यूट्यूब को एडमिन को अलग राइट्स होंगे, आपके लिए अलग होंगे, ये सब परमिशन प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी टीम या एडमिन टीम, इनके थ्रू ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। हमें क्या डिटेल्स पता होती है कि हमें क्या चीज पर एक्सेस है या नहीं है, नहीं हमें नहीं पता होती, वो सिर्फ किसको पता होती, एडमिन राइट्स को। सो बेसिकली इसलिए हम इसका पासवर्ड नहीं देख सकते, हमको एक्सेस है या नहीं उस वेबसाइट का। अब अगर मान लो फर्स्ट स्टेप, ये एक फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन है, अगर हमको एक्सेस नहीं होगा कोई भी वेबसाइट चलाने का, जैसे आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल XYZ, उनकी कुछ वेबसाइट है जैसे कि ABCDE एग्जाम्पल, ये एक website.com है। अब इसका एक्सेस सिर्फ उसी को, एम्प्लॉय को होगा जो XYZ के अंदर काम करता है। अगर मैं जैसे भी दूसरी कंपनी में काम करता हूँ, मैं उस वेबसाइट को लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, उसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे को API के अंदर एरर आएगा, जो कि फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन ही है। कौन सी, क्योंकि मैं जब हिट कर रहा हूँ मेरे को एक्सेस ही नहीं देने देगा वो, फिर क्या आएगा 401 अनऑथराइज, कि मैं उसको, मेरे पास परमिशन नहीं है उस वेबसाइट को चलाने की, सो इसलिए 401। तो हमें उसको सेकंड पॉइंट पे जाने नहीं देगा यूजर नेम पासवर्ड के लिए, सो फर्स्ट स्टेप पे ही रोक देगा 401 पे। सो अब आपको 401 403 में डिफरेंस, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में डिफरेंस, कौन सा फर्स्ट स्टेप है कौन सा सेकंड स्टेप है, इनके बारे में डिटेल्स, कौन सा हम देख सकते हैं, कौन सा प्रोवाइडर होता है, कैसे इन दोनों को मैनेज किया जाता है पासवर्ड के थ्रू या एडमिन राइट्स के थ्रू, तो इसको हम इंटरव्यू में हमें बिल्कुल इसी फॉर्म में विद एग्जांपल्स के थ्रू ऐसे समझाना है, किसमें 401 आता है किसमें 403 आता है, ये पूरा डिटेल आप इस वीडियो के साथ आप बता सकते हो विद एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको समझाया। आप अपनी कंपनी का नाम उसके अंदर चेंज कर सकते हो, अपने बोलने के तरीके में इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे और सामने वालों को बता पाओगे कि आप क्या ना क्या चाहते हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस किस फॉर्म में है विद रियल लाइफ सिनेरियोस। सो ये हमारा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन खत्म होता है। थैंक यू। अब हम अपना API की नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं।
इस वीडियो में अब हम अपना कैसे टेस्ट कवरेज बनानी है और क्या टेस्ट कवरेज होती है एपीआई के एसोसिएटेड स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टेस्ट कवरेज क्या होती है कि आप अपने एपीआई के फ्लो के अंदर क्या क्या इंक्लूड करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब सिनेरियोस को टेस्ट कवरेज बोला जाता है। अब इसके अंदर जैसे अब आप कोई भी एक एप्लीकेशन है जैसे फेसबुक है, लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज के अंदर आप यूज़र नेम सही डालना और पासवर्ड सही डालना एक हैप्पी पाथ सिनेरियो है। यूज़र नेम सही डालना, पासवर्ड गलत डालना एक अलग सिनेरियो है, नेगेटिव सिनेरियो। इसी तरह अगर यूज़र नेम को ब्लैंक करके टेस्ट करना वो एक अलग सिनेरियो है। सो ये सब कम्बिनेशन करके टेस्ट कवरेज बनती है। इस तरह से आप अपने हर एक वेब पेज के एसोसिएटेड अलग अलग टेस्ट कवरेज बन सकेगी। सो इसी तरह से हर एपीआई की अलग अलग टेस्ट कवरेज होगी। मेनली एपीआई की टेस्ट कवरेज को हम 4 बेसिस में डिवाइड करते हैं जो कि इस प्रकार है, एक हैप्पी पाथ, मैंडेटरी, इनम एंड अदर टाइप ऑफ वैलिडेशंस। हैप्पी पाथ सिनेरियोस क्या होता है, बेसिकली हैप्पी पाथ सिनेरियोस होते हैं इसके अंदर अपना एपीआई के अंदर जो भी फील्ड्स हैं हम उनको करेक्टली फुलफिल करते हैं और अपने जिस्म की बॉडी के अंदर पास करते हैं ताकि हमारा एपीआई की हैप्पी पाथ मतलब पॉजिटिव सिनेरियो एग्जीक्यूट हो सके। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक एपीआई है, ये एपीआई का पेलोड है। अब पेलोड को ब्रीफली एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है जेसन एक्सएमएल के बारे में, आप मेरी एपीआईस की प्लेलिस्ट के अंदर जाके मैनुअल से उसको समझ सकते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को। अभी मैं जैसे आपको पेलोड्स का अगर मैं एग्जिस्ट सोच के चल रहा हूँ कि आपको एपीआई की बेसिक नॉलेज है पेलोड की, सो अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अब इस जेसन पेलोड के अंदर ये एक फील्ड है, ये उसकी एक वैल्यू है एसोसिएटेड, ये एक पोस्ट एपीआई है फॉर एग्जांपल। अब जैसे ही आप इस एपीआई को हिट करोगे और ये बॉडी पास करने के बाद तो बैकएंड से जो रिक्वेस्ट जाएगी वो डेटाबेस पे एक इस नाम की डिटेल्स को सेट कर देगी, क्रिएट कर देगी। अब पेट नेम नाम का डॉग वन बन चुका है, स्पीशीज उसकी पावर है, उसकी मैंने साथ में ये यूआरएल की लिंक शेयर किया है अपने पोस्ट एपीआई के साथ। अब ये हिट करने के बाद अगर मैं ये सब वैल्यूज़ इनकी फील्ड की ये वैल्यूज़ को अगर मैं करेक्टली पास करता हूँ तो वो हैप्पी पाथ सिनेरियो है। सो अब मैंने पेट नेम को डॉग वन भेजा है, स्पीशीज को पावर भेजा है, इमेजेस को एक फर्स्ट यूआरएल भेजा, सेकंड यूआरएल भेजा, इस फॉर्म में ये एक एरे है, इस फॉर्म में मैंने मल्टीपल इमेजेस को भेजा है। अभी मैंने बिल्कुल करेक्ट डाटा भेजा है अब पेलोड को। अब इससे एपीआई जब हम हिट करेंगे तो हमारे पास एपीआई सक्सेस मैसेज शो करेगा और जो इसके अंदर एसोसिएटेड है, पेट नेम क्या था हमारा जो मैंने भेजा था वो था डॉग वन, उसकी स्पीशीज क्या थी पावर, जो उसकी एसोसिएटेड इमेजेस थी उसके लिंक वो एज अ जेसन रिस्पॉन्स पे, ये क्या है, ये है जेसन रिस्पॉन्स जो आफ्टर हिटिंग अ एचटीटीपी रिक्वेस्ट हमें आएगा। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था स्टेटस कोड्स को पढ़ने के लिए हर जैसे 200 से लेकर 210 तक, 300 से लेकर 310 तक उन सबको पढ़े। अब ये स्टेटस ओके है, इसका मतलब है कि ये 200 स्टेटस कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा एपीआई करेक्टली वर्क कर रहा है। सो ये एक हैप्पी पाथ सिनेरियो है, आपने रिक्वेस्ट हिट करी विद प्रॉपर करेक्ट डाटा तो वो जाके क्रिएट हो गया, तो ये सब कहलाएगा हैप्पी पाथ सिनेरियो। अब आपका हैप्पी पाथ सिनेरियो कवर हो गया है। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट पे स्टार्ट करेंगे मैंडेटरी, सेकंड पार्ट मैंडेटरी को हम इनिशिएट करेंगे। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैल्यूज आपने नल पास करी है, जैसे लॉगिन पेज पर यूज़र नेम और पासवर्ड हो गया, यूज़र नेम को ब्लैंक पास करना, पासवर्ड को ब्लैंक पास करना, ये सब मैंडेटरी का पार्ट है। जिसे हमने पिछले प्रीवियस एग्जांपल में हमारा जेसन एस रिक्वेस्ट के साथ, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ ये पेलोड पास किया था। और अगर हम
ये 21 फील्ड है, ये फील्ड की वैल्यू है। जैसे कि हम समझ पाता है हमको, ये एक एरे है, ये इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ है जो हमें उसको पास कर रहे हैं। अगर हम किसी एक वैल्यू को एज अ नल और अ ब्लैंक, अब नल और ब्लैंक में क्या फ़र्क है, जब इसको ऐसे भेजते हैं विदाउट एनी प्रॉपर वैल्यू ओनली ब्रेसिस, सो ये एक नल का एग्जाम्पल है। पेट नेम को ब्लैंक भेज रही हो, एक नल क्या होता है जब आप इसको NULL स्ट्रिंग पास करते हो, ये आपका ब्लैंक वैल्यू हो गया और ये आपका नल हो गया, इस फॉर्म में आप सेंड कर सकते हो, तो आप उसको इस फॉर्म में भेज सकते हो ब्लैंक एरे विदाउट एनी प्रॉपर वैल्यू। सो इसको बोला जाता है मैंडेटरी। जब आप इसको मैंडेटरी को हिट करोगे तो आपका जो जेसन का जो रिस्पॉन्स है, HTTP रिस्पॉन्स जो आएगा आफ्टर हिटिंग एन API, वो इस फॉर्म में आएगा। आपका जो स्टेटस था वो ओके की बजाय फेल हो जाएगा, और आपका जो स्टेटस कोड है फॉर्म इस टाइप से, वो अलग अलग होता है जो मैंने आपको बताया, 400 से लेके 410 तक, 415 तक आप उनको पढ़ लीजिए। वो एरर कोड्स को बताएगा कि एरर कोड है क्या, अब आपकी डिटेल्स कौन सी फील्ड वाज मिसिंग है, या फिर फू की बजाय उसका नाम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेट नेम आपने मिसिंग किया था और इसके अंदर कुछ वैल्यू पास करी थी जो कि ये थी। फॉर एग्जांपल अब आपने सिर्फ पेट नेम को नल किया और फिर इसको जब आप फील्ड को डालोगे फॉर्म इस फॉर्म में कि ये फील्ड इसके अंदर मिसिंग है, और मैसेज लिखा होगा इनपुट मिसिंग। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग फॉर्मेट होता है जेसन को रिस्पांस को दिखाने का। ये एक बस जनरल पर्पस एग्जांपल है आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए कि मैंडेटरी कैसे वर्क करता है। आपकी फील्ड का नाम होगा जोन सी मिसिंग है, आपका स्टेटस कोड होगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। यहाँ पर मान जैसे 412 आया है, किसी किसी में 400 आता है जिसको बहुत बैड रिक्वेस्ट बोलते हैं। फॉर्म इस फॉर्म में अलग अलग रिस्पॉन्सेज भी आ सकते हैं। अब इससे आपको मैंडेटरी का ब्रीफ आइडिया समझ आ गया होगा। आपको कोई भी फील्ड ब्लैंक भेजनी है, अब यहाँ पे मैं किसी और को ब्लैंक करता हूँ, मैंने इसको हेलो भेजा और इमेजेस को ब्लैंक कर दिया। सो जब आप इस रिक्वेस्ट को हिट करोगे सो आपको जो रिस्पॉन्स में फील्ड मिसिंग की बजाय यहाँ पर इसकी डिटेल्स लिखा होगा, अगर ये मैंडेटरी होगा। फॉर एग्जांपल हमारा स्पीशीज मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इसको नल पास करोगे या फिर इस फॉर्म में ब्लैंक भेजोगे तो आपका API करेक्टली बिहेव करेगा। यहाँ पे बस इस फॉर्म में डाटा डिस्प्ले किया जाएगा, जो आपने पेट नेम भेजा था, जो आपने इमेजेस की लिंक भेजा था वो, विदाउट एनी स्पीच, बिकॉज ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है तो एरर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हमारी API बहुत हैप्पी पाथ की तरह वर्क करेगी, जैसा उसके सिनेरियोज है वो उस तरह वर्क करेगी। मैंडेटरी इस तरह वर्क करता है। सो आपको मैंडेटरी का बेसिक आइडिया समझ आ गया होगा। तो हमने दो वीडियो खत्म करी है, हैप्पी पाथ और मैंडेटरी की। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे इनम को, थर्ड पार्ट जो कि है इनम को पढ़ेंगे। हमने दो वीडियो में हैप्पी पाथ और मैंडेटरी को समझा था, अब हम इनम को समझेंगे। इनम बेसिकली क्या होता है, जावा में एक कॉन्सेप्ट होता है, आप एक क्लास को वैल्यूज प्रोवाइड करते हो, अगर वो उसके अलावा कुछ और वैल्यू हम एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करते हैं तो वो एरर देता है। इसको बोलते हैं इनम एक तरह से। ये एक ब्रीफली एग्जांपल है, आप इनम को थोड़ा और डिटेल में गूगल से आप समझ सकते हो। ये बस एक थोड़ा समझाने के लिए था कि आपको प्री डिफाइंड वैल्यूज़ के अलावा कुछ और इनपुट देते हैं तो उसको एरर शो करना चाहिए। ये इनम का वैलिडेशन का एग्जांपल है। अब फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास डॉग्स की कुछ स्पेसिफिक ब्रीड्स गिवन होती हैं। हमारे पास वर्ल्ड में मान लो 400 तरह के डॉग्स की ब्रीड अवेलेबल, उसके अलावा अगर हम कोई और ब्रीड्स को प्रोवाइड करेंगे स्पीशीज के अंदर तो वो उसको एरर दे। फॉर एग्जांपल जैसे एक ब्रीड होती है जर्मन शेफर्ड,
जर्मन शेफर्ड होती है, इस तरह से और भी जो आपके पास ब्रीड है, एक हस्की ब्रीड होती है, ऐसे मान लो 400 तरह की ब्रीड है। आपने डेवलपर ने डिफाइन कर दिया कि स्पीशीज के अंदर इन 416 के अलावा कुछ और भी वैल्यू डालते हो आप तो आपको एरर शो करेगा। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास हस्की है, मैं उसको हु डाल देता हूँ जो कि एक इनकरेक्ट है, उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी कोई स्पीशीज। और अब जब आप इस जेसन को हिट करोगे HTTP रिक्वेस्ट को, तो आपके रिस्पॉन्स में फेल आना चाहिए और बैड रिक्वेस्ट या वट एवर कोड जो डेवलपर ने डिसाइड किया है वो, और डिटेल में लिखाना चाहिए कि स्पीशीज डिफाइंड इज नॉट मैचिंग विथ डाटा प्रोवाइडेड इन जेसन पेलोड ड्यूरिंग HTTP रिक्वेस्ट। इस फॉर्म में और मैसेज कुछ और आएगा, हु इज नॉट अ वैलिड स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल। इस फॉर्म में हमारे पास डिटेल की आ सकती है जब आप इस API को हिट करोगे। ये स्पीशीज एक इनम का एग्जाम्पल है। अगर हम जर्मन शेफर्ड जो मैंने बताया था इससे पहले, जर्मन शेफर्ड के सिर्फ जर्मन डाले जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है वो हम डालते हैं तो वो भी इस तरह फॉर्म में एरर शो करेगा। ये एक इनम का एग्जाम्पल है। और ऐसा नहीं है कि अब जो उसकी स्पेलिंग है, जैसे अब उसकी स्पेलिंग हस्की थी, अगर आप उससे 1, 2, 3 ऐसे कुछ एडिशनल चीज़ें भी डालें तो भी एरर आना चाहिए। ये सब भी इनम का ही पार्ट होते हैं। जो डाटा हमें प्रोवाइडेड है वो एक शीट के अंदर हमें डेवलपर प्रोवाइड करेगा, वो हम उसके अलावा कुछ और इनपुट देते हैं तो एरर आएगा, वो हमारा इनम के पार्ट कहलाएगा। सो हमारा इनम की कवरेज भी समझ आ गई होगी मेरी होपिंग है। अब हम फाइनल पार्ट पे जो अदर वैलिडेशन है उसको समझेंगे, उसको हम समझते हैं। बेसिकली अदर वैलिडेशंस क्या है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास डेवलपर ने बोला है जो भी हस्की ब्रीड के होंगे उनका नाम एच से स्टार्ट होगा, उसके अलावा कुछ और से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे एक का नाम मैंने रख दिया हैप्पी, एक का नाम रख दिया मैंने होर, एक का नाम रख दिया मैंने पोर्श, एक का नाम रख दिया मैंने BMW, एक का नाम रख दिया मैंने होंडा। सो अब अगर डेवलपर ने ये साइन किया हुआ कि अगर कोई बंदा स्पीसीज को हस्की सेलेक्ट करेगा तो उसका पेट नेम सिर्फ एच से स्टार्ट होगा, सो जो होंडा के जब हम स्टार्ट करेंगे API को रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारा सक्सेस होगा। अगर मैं इसके पेट नेम को BMW डालूं जो कि एच से स्टार्ट नहीं होता वो फिर एरर देगा। ऐसी वैलिडेशंस जो हम जनरल फॉर्म में टेस्ट नहीं करते लेकिन जो हमें डेवलपर बताता है एज पर द क्लाइंट रिक्वेस्ट। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी कि स्पीशीज जिसका नाम हस्की होगा वो एच से ही स्टार्ट होगा, फिर वो डेवलपर उसको कोड डेवलपर अपना कोड में इम्प्लीमेंट करेगा कि एच से स्टार्ट होने वाले ही एक्सेप्ट होंगे अगर स्पीशीज एच हस्की है तो। ये आपको समझ आ गया? तो अगर मैं BMW हिट करेगा तो क्या हमारा सक्सेस नहीं होगा, हमारा API फेल होगा और डिटेल्स के अंदर जो उसने स्पेसिफाई किया रखा है वो मैसेज आएगा। इसी तरीके से MSG के अंदर जो उसने मैसेज डाला हुआ है वो आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे स्पीशीज है, सो आप डिटेल में लिख देंगे कि स्पीशीज ऑफ हस्की शुड हैव पेट नेम स्टार्ट्स With H alphabet only, ये आ गया। और pet name defined is incorrect as per defined species for example, ये message आ गया। इस form में हमारा other type of validation work करता है, ऐसे scenarios जो developer को client बताता है फिर उसके accordingly वो implement किए जाते हैं। एक और एग्जांपल मैं समझा सकता हूँ। मान लो
जैसे आपकी कोई LIC की पॉलिसी है, LIC की पॉलिसी की स्टार्ट डेट और एंड डेट होती है, फॉर एग्जांपल 1/1/2022 से 12/31/2022 तक है। अगर मैं चाहूँ तो API में उसको चेंज कर सकता हूँ अपने API रिक्वेस्ट के अंदर, और मैं स्टार्ट डेट को बड़ा कर दूँ एज कम्पेयर टू एंड डेट। सो एंड स्टार्ट डेट मान लो मैं कर दूँ 6/1/2023 और फिर एंड डेट कर दूँ मैं उसको 12/31/2022, जो कि इनवैलिड सिनेरियो है, ऐसा कभी होगा नहीं, तो एरर हिट करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका अदर वैलिडेशन का एग्जांपल हो गया। सो हमारा टेस्ट कवरेज को आपने ब्रीफली समझ गए हैं कि टेस्ट कवरेज कैसे वर्क करती है। अब हम इस वीडियो के बाद फाइनल वीडियो में मैं आपको इनके टेस्ट केसेस को लिखना सिखाऊंगा कि API के टेस्ट केसेस को कैसे लिख सकते हैं और कैसे समझाएंगे अपने क्लाइंट्स को या फिर अपने लीड्स को। सो ये पूरी वीडियो ख़त्म हो गई है टेस्ट कवरेज की। कुछ अगर इसमें कुछ डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। लास्ट पार्ट को कंफर्म करेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर इसके अंदर कुछ और बच जाएगा तो मैं वो भी प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा। बेसिक्स API की ख़त्म हो चुकी है, अब बस इसके अंदर आपको बेसिक राइटिंग ऑफ द टेस्ट केसेस ऑफ द API इसमें कराऊंगा मैं, कैसे आपको टेस्ट केस राइट करना है APIs के रिलेटेड। सो पोस्टमैन की मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट भी वर्क में चल रही है, उसमें मैंने एक वीडियो गेट API को कैसे हिट करना है वो सिखाया है, आप उसको जाके देख सकते हो। सो जैसे कि इस API की एक वेबसाइट है, इस पर एक क्रिएट यूज़र, जब आप इस API को हिट करोगे तो एक नया यूज़र क्रिएट होगा। इसके एसोसिएटेड हेडर्स, बियरर एक्सेस टोकन्स जो भी होगा, उसकी URL, पोस्ट API है, द पेलोड विच आई एम प्रोवाइडिंग, सो दीज आर द पेलोड। सो बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी टेस्ट केस हम लिखते हैं तो इस फॉर्मेट में इसको फॉलो करते हैं। अगर आपने टेस्ट कवरेज वाला सिनेरियो नहीं पढ़ा तो आप उसको जाके पढ़िए, उसमें मैंने चार तरह के जो API टेस्टिंग की कवरेज होती है जो हम अपने टेस्ट केसेस के अंदर लिखते हैं वो कवर की हुई है, उसको जाके देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। सो बेसिकली ये हमारा API की पेलोड है जो हमारा सिनेरियो का नेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको न्यू यूज़र क्रिएट करना है, ये आपकी API है, तो इसका क्रिएट अ न्यू यूज़र API टेस्ट, ये आप इसके लिए क्रिएट कर रहे हो अपना टेस्ट केस। सो पहले वाला है हैप्पी पाथ। हैप्पी पाथ के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम करेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो पहला टेस्ट सिनेरियो क्या होगा, इसके अंदर एक यूज़र ट्राई टू क्रिएट अ यूज़र to create a patron with details having a name. This. हम इसके अंदर ये सिनेरियो कवर करेंगे, एक नया क्रिएट करना। इसके अंदर जो रिस्पॉन्स कोड आफ्टर हिटिंग द API आता है वो हम डालेंगे। पेलोड ये हमारा, कोई कोई क्या करता है इसके अंदर डायरेक्टली भी डाल देता है कि कौन सा एक्सपेक्टेड होता है एज पर द डॉक्यूमेंटेशन। सो पोस्ट API है, सो पोस्ट API का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा स्टेटस कोड होता है, अगर नहीं पढ़ा तो आप उसको गूगल पे जाके पढ़ सकते हो। सो ये पेलोड इन JSON फॉर्मेट यूज, इसके अंदर आप अपनी पेलोड जो आप यूज़ करने वाले हो उसकी डिटेल्स डालोगे। जैसे मैंने ये वाली एक पेलोड यूज़ करने वाला हूँ, इसको आप वर्ड रैप करेंगे तो आपको पूरी पेलोड इस तरह शो करेगी। एक्चुअल रिजल्ट, जब आपने API हिट करा उसके अंदर जो रिस्पॉन्स आया वो हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। मान लो हमारे पास रिस्पॉन्स आया इस फॉर्म में ABC, सो ये हम इसके अंदर टेक्स्ट करेंगे। और हमारा एक्सपेक्टेड क्या था, ABP
एक्स्ट्रा फॉर एग्जांपल, सो एबीसी एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज होगी तो उसके अंदर हम लिखेंगे लास्ट वैल्यू इज नॉट मैचिंग और हमारा फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। पास या फेल के अंदर हम फेल को डिनोट करेंगे। अगर कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हो कमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो हमारा एक्सपेक्टेड भी एक्चुअल रिजल्ट के मैच करता है तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिपेंसी एनी नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे और अपना टेस्ट केस को पास करेंगे। इस फॉर्म में हम अपना वर्क करेंगे। ये हमारा हैप्पी पथ सिनेरियो हो गया। सो अब हम अपना मैंडेटरी वाले को कवर करेंगे। सो मैंडेटरी में मैंने आपको उसमें टेस्ट कवरेज में बताया था क्या होता है। इसमें हम पेलोड को नल पास प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा पेलोड ये था, इसके अंदर मैंने क्या किया, नेम को नल प्रोवाइड किया। सो इस फॉर्म में जब हम पेलोड को प्रोवाइड करते हैं, अपनी एपीआई को हिट करते हैं, तो उसको मैंडेटरी बोलते हैं। मैंडेटरी नेम के अलावा अगर नेम को की जगह हम कुछ और ब्लैंक करना चाहते हैं, मान लो नेम को की जगह जेंडर को ब्लैंक करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐसे कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में चार तरह के पेलोड्स बन जाएंगे क्योंकि इसमें चार वो है। तो जो जो मैंडेटरी है उसके लिए एरर प्रोवाइड होगी, उसके लिए नहीं होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, वेरीफाई नेम कैन नॉट बी नल। ये हमारा सिनेरियो बन गया। इसमें इसी तरीके से इसका सिनेरियो क्या बनेगा, जेंडर। और इसका जो एरर कोड है जनरली 400 आता है, लेकिन डिपेंड करता है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं 403 में भी और 40 उसके नंबर 400 में भी। इट डिपेंड्स डेवलपर ने जो डिसाइड किया हुआ है। ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट था। एक्चुअल रिजल्ट मान लो में एरर मैसेज आया है कि क्या नेम शुड बी मैंडेटरी फॉर एग्जांपल। ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है और यही हमारा एक्सपेक्टेड भी आ गया। सो हमारी डिस्क्रिपेंसी हुई नहीं हुई, सो हमारे केस क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब मान लो जेंडर में एरर मैसेज नहीं आया और ये हमारा स्टेटस को 200 आ गया जो कि गलत है और हमारा जो डाटा है वो क्रिएट हो गया, डाटा क्रिएटेड। बट एपीआई की रिक्वेस्ट क्या थी कि जेंडर शुड बी प्रोवाइडेड, ये था। अब यहाँ में डिस्क्रिपेंसी होगी, सो क्या करेंगे, यस इशू फाउंड और ये हम क्या कर देंगे, इस टेस्ट को फेल कर देंगे। इस फॉर्म में हम ये वाला मैंडेटरी का टेस्ट केसेस लिखेंगे। सो मैंडेटरी की तरह ऐसे ही इनम वाले, अगर आपको टेस्ट कवरेज को और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप उसको देख सकते हो। सो ऐसे हम अपना टेस्ट केसेस लिखेंगे एपीआई के लिए। थैंक यू फॉर दिस, डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।